हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों देखते हैं क्या है आज का अपडेट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जेएसएससी हो या फिर जेपीएससी हो, कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले यूट्यूब पर आपको मिलता है, जैसा कि आपको पता ही होगा पहले, ठीक है। इसलिए तुरंत जानकारी बहुत जल्द जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों रिजेक्शन लिस्ट में किसका किसका नाम है, आपने चेक जरूर कर लीजिए। दोस्तों पता चला आपको तैयारी में लगे हुए और आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में है, आप लास्ट में आपको पता चला एडमिट कार्ड ही नहीं आया, आप परेशान हो जाएगा, इसलिए अभी देख लीजिए। अभी रिजेक्शन लिस्ट में नाम होगा तो फिर तैयारी क्यों करना भाई, समझ रहे ना। चलिए फिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं वो भी हम बात कर लेंगे, मुंशी नगर पालिका वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आज का। देखिए दोस्तों आज का डेट देख लीजिए, 4/10/2023 झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं, आवेदक समर्पित करने के पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने का फलस्वरूप कतिपय अभ्यर्थियों का अभ्यर्थी रद्द की गई थी। उक्त में कर में संबोधित परीक्षा के विज्ञापन संबंध विवरणिका की खंडिका 13-7 के आलोक के समान, ये अच्छा ये भी ये समान नाम पिता का नाम एवं जन्मतिथि दर्ज कर एक से अधिक ऑनलाइन देख सकते। दोस्तों एक दो बार तो यही होता है ना, एक दो बार जब दो से ज़्यादा आईडी जब इस्तेमाल करते हैं आप लोग फॉर्म रजिस्टर करने के लिए, तो रजिस्टर देखिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत उसको हो रहा है ना जिस समान नाम हो गया, जिसका सेम नेम हो गया, सेम पिता का नाम हो गया, जन्मतिथि और से एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का उनके द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए थे। आवेदन के अवैध मानते हुए पूर्व में समर्पित निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले निम्नलिखित आवेदनों को रद्द किया जाता है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मिला लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए कितने लोग, टोटल 45 लोग का है, तो 45 लोग कम नहीं होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार अच्छा से, इस PDF को हम डाल देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से डाउन देख लीजिएगा। यदि आपका होगा तो फिर आप देखिएगा, फिर पता चला इसमें नाम है चेक नहीं किया और एडमिट कार्ड आया ही नहीं, तो देख लीजिएगा टोटल 45 स्टूडेंट है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत आवश्यक सूचना संख्या 3 दिनांक 21/9/2023 का शेष शर्त यथावत रहेगी। चलिए खैर, जो भी 21 तारीख को आया था ना, आपको पता है 21 तारीख का रिजेक्शन लिस्ट आया था ना आपको एक बार, तो उसी लग बोल रहे था वित्र, उसमें से कितना सारा निकला था रिजेक्शन लिस्ट हुआ था, उसमें से 45 एक्स्ट्रा और जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते दोस्तों अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा उन लोगों को जिसका नाम नहीं है, जिसका नाम है तो उसको अपडेट क्या है इच्छा खराब ही लगा होगा। खैर उसमें हम ही क्या कर सकते भाई, अपडेट देना काम है, अपडेट दिया आपका नाम आ गया तो उसमें कुछ नहीं हो सकता क्या। खैर जो भी है देख लीजिए, मिला लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि पता चला कि मिला नहीं पाए फिर दिक्कत हो जाएगा आगे चल के, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अपडेट पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जैसे जैसे सीजीएल जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा अच्छा क्वेश्चन डालने शुरू कर दिए, ऐसे डाल लें फिर डिले देखिएगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम ओरिएंटेड डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा आपको, गारंटी के साथ दे सकते हैं, हम प्रूव भी करवा देंगे जिस दिन एग्जाम होगा तो, ठीक है। हालांकि कुछ लोगों को लगेगा ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं, खैर बोलने दीजिए जो बोलेगा सो, लेकिन जो देख रहा है दोस्तों उसको यकीनन बता रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी को निचोड़ प्रो निकाला जा रहा है, आगे जाकर देख लीजिएगा, हालांकि ज़्यादा लोग देखते नहीं, 500 उसको देखते हैं, यही छोटा मोटा वीडियो डाल देंगे कि झारखंड की राजधानी कहाँ है रांची, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन डाल देंगे ना तो फिर काफ़ी व्यू जाता है उस समय, तो क्या ही कह दिए बताइए, अच्छा चीज़ डालने पर नहीं देखते हैं लोग। चलिए जो बात नहीं, 500 देख रहे तो कोई बात नहीं, 500 में सिलेक्शन लेना और क्या, तो 1000 तो सीट तो दो ही जा रहे हैं, 2500 समथिंग सीट है, ठीक है, उसने तो फॉर्म गिरे तो कोई अच्छी बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।